सोयागैस तो बहुत सारे लोग कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि हमारे डिवाइस के लिए कौन सा कॉल रिकॉर्डर एप्लीकेशन बेटर रहेगा। हमारे डिवाइस के अंदर कॉल रिकॉर्डर एप्लीकेशन है ही नहीं, तो हम क्या करें, हम कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करें, तो हमारे लिए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा। सोयागैस तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँ टॉप 5 बेस्ट कॉल रिकॉर्डर एप्स फॉर एंड्रॉइड इन 2021। सोयागैस तो इन 5 एप्लीकेशन के लिंक आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, और इन 5 एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, सबके 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है, काफ़ी अमेजिंग ऐप है, आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अगर चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। सोयागैस तो बात की जाए फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, फर्स्ट एप्लीकेशन है कॉल रिकॉर्डर SCR एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को बेसिकली आप यूज़ करें, इनके अंदर में आप हाई क्वालिटी की कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे, और तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस को फॉलो करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन को अलाउ कर देने पड़ेंगे। अलाउ कर देने के बाद यहाँ पे जैसे किसी प्लीज में अलाउ कर देंगे, और अलाउ को आई मीन परमिशन को सबसे पहले पढ़ना जरूरी है तो पढ़ लीजिएगा। फिर आपको फोन फोन नंबर है तो यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, या उसे स्किप कर देंगे। स्किप करने में जैसे कि यहाँ पे इनकमिंग, आउटगोइंग, और यहाँ पे ऑल, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसा कि आपको देखने को पड़ रहा होगा, और तो यहाँ पे जैसा कि कुछ सेटिंग है जिसे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और तो यहाँ जैसा कि आपको यहाँ देख सकते हैं। और सिंपली से आपको यहाँ पे जैसा कि किसी भी कॉल रिकॉर्ड को कॉल रिकॉर्ड करने की सबसे पहले उसे कॉल करेंगे, कॉल करने बाद ऑटोमेटिकली जो है आपका यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा उसी एप्लीकेशन के द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके डिवाइस में नहीं है, अगर है तो यहाँ पे और रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो आप वहाँ से भी आई मीन अपनी कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे, और तो और कॉल रिकॉर्ड को आई मीन फिर से सुनने के लिए जैसा कि आप यहाँ पे अपनी फाइल में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आई मीन कॉल जो रिकॉर्ड किए वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाए, तो आप वहाँ पे चाहो तो यहाँ पे से डिलीट कर सकते हो आप, या शेयर कर सकते हो, जो चाहो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्या इस तो बात की जाए सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, सेकंड जो एप्लीकेशन वो है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को बेसिकली आप यूज़ करके यहाँ पे ऑटोमेटिक से कॉल रिकॉर्ड को आई मीन कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे कुछ का आपको परमिशन को अलाउ करने पड़ेंगे, जैसे कि उसके अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगी। ये वही देखने आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके फेवरेट और भी कैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप एक्सेस कर पाएंगे, जिन्हें आप इस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको पता चल जाएगी। और बात की सेटिंग में थी आप इस रिकॉर्ड को रिकॉर्डिंग मोड और रिकॉर्डिंग और क्लाउड एक्सेसिबिलिटी स्टोरेज और भी कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप जैसे कि मैंने आपको बताई दिया, और से कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें आप से ऑप्शन को भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, जैसा कि आप यहाँ अपने स्मार्टफोन को सेक करने के बाद यहाँ पे कुछ आई मीन कुछ एक्टिविटी को आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। और तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड को कॉल रिकॉर्ड सबसे पहले आपको यहाँ कॉल करना पड़ेगा, कॉल करने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली भी आई मीन कॉल को रिकॉर्ड कर लेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हाई क्वालिटी में HD क्वालिटी में आप ये कॉल रिकॉर्ड कर पाएगा, आई मीन कर लेगा। करने के बाद यहाँ सबसे स्टॉप करने वाले आई मीन इसको स्टॉप कर देना है, या ऑटोमेटिकली इस एप्लीकेशन के अंदर सेव हो जाएगा, या आपके फाइल में भी सेव हो जाएगा, तो फाइल से भी एक्सेस कर पाएंगे, और यहाँ पे आप उसे स्नैप करके सुन सकते हैं, या सेव या एडिट एंड और भी कई सारे ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे कि और भी कई सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जो आप करना चाहे तो, और यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो, नोट में भी शेयर कर सकते हो। तो काफ़ी कमाल का कॉल रिकॉर्डर एप्लीकेशन है, तो आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। तो बात की जाए नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन वो है कॉल ऐप एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको एक अपने स्मार्टफोन के डिफॉल्ट कॉल ऐप जैसा आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे स्विच करोगे तो जैसे कि आपके स्मार्टफोन जितने भी कॉल ऐप्स की सेटिंग है वो आप इसमें कर पाओगे, और ये में आपको स्पैम लिस्ट भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको फेक कॉल या फेक कोई फ्रॉड होते हैं वो कॉल करते हैं, उन्हें आप इसे अगर एनेबल कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करके वो आपको कॉल आई मीन इस अब तक कॉल नहीं पहुँचाएगा। तो काफ़ी अमेजिंग ऐप है, तो आपको जरूर से ट्राई करनी चाहिए। इसके अंदर भी आपको हाई क्वालिटी HD क्वालिटी में आप यहाँ पे कॉल कर रिकॉर्ड कर पाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी जिसको कॉल करना फिर कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा कि आपके साइड में ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जब इसमें ऑटोमेटिक टैप करेंगे तो आपको कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बात की जाए फोर्थ एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन वो है कॉल रिकॉर्ड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है कॉल रिकॉर्ड एप्लीकेशन, काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन। इसके अंदर काफ़ी कुछ सारे सेटिंग आपको देखने को मिलते हैं, उस सारे सेटिंग को अलाउ करने के बाद कुछ सारे परमिशन को अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारे सेटिंग को सेटअप कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे कि ऑल फेवरेट, इनकमिंग और आउटगोइंग, और भी कई सारे सेटिंग आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि 2 डॉट पे टैप करके आप देख सकते हैं। और तो आप जिसको भी कॉल करना है उसे आप कॉल करने के बाद कॉल के जैसे कि कॉल करेंगे, फिर आपको उस नंबर टैप करेंगे, उस नंबर पे टैप करने के बाद उसे कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जैसे कि आप ये सिंपली से कॉल करेंगे, कॉल करते करते जैसे कि आप इसे ऑटोमेटिकली कट कर देंगे, जैसे ऑटोमेटिकली आपके साइड से एरर आई मीन लेफ्ट से आई मीन जैसे कि यहाँ पे एडमिशन को होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो कॉल है वो रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो गई है इस एप्लीकेशन के थ्रू। और यहाँ पे जैसे कि और भी कई सारे आई मीन फीचर होते हैं जिन्हें आप एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएगी। तो बात की जाए लास्ट और आखिरी एप्लीकेशन के बारे में, वो जो एप्लीकेशन है वो है कॉल रिकॉर्डिंग लेटेस्ट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन सबसे पहले आपको स्टार्ट पर टैप करना पड़ेगा, स्टार्ट टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन कुछ सेटिंग को अलाउ करनी पड़ेगी, कुछ सेटअप को सेटअप करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खोल के आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकमिंग, आउटगोइंग और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, और भी यहाँ पे 3 डॉट पर टैप करके और भी कई सारे सेटिंग को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको देख सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर टैप करना पड़ेगा, नंबर फिर यहाँ पे गेट डिटेल्स, जैसे वो नंबर टैप करना चाहते हो तो उसका नंबर डिटेल फिर सबसे पहले ओपन करना
जाना पड़ेगा, फिर आपको कॉल वाले ऑप्शन जाना पड़ेगा, जिसको कॉल करना है उसको कॉल करना, फिर ऑटोमेटिकली जो है कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है वो डिटेक्ट करेगी और इसका भी वही कुछ इस प्रकार देखने को हमें आप देखने को मिल जाता है और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तो और आप HD हाई क्वालिटी में आई मीन कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो यार गाइस, तो ये थी टॉप 5 बेस्ट कॉल रिकॉर्डर एप्स फॉर एंड्रॉइड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अगर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो यार गाइस, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड पीस आउट। Fearless.